हेलो एवरीवन, आज है 5 सितंबर और आज इस वीडियो में हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक वक्त में 450 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था, लेकिन अब वो 40 रुपए से भी कम प्राइस में ट्रेड हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अभी उसमें हाल फिलहाल में खरीदारी करने की, पोजिशंस बनाने की, कोई या फिर किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होने की हाल फिलहाल में कोई खबर है कि नहीं, या फिर अभी इसमें कर सकते हैं कि नहीं इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। देखिए, 40 रुपए से भी कम में ट्रेड करा है, 39.75 रुपीज पर यह शेयर ट्रेड करा है। आज भी तकरीबन 1% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इन्फीबीम के शेयर में हालांकि सिर्फ 0.25% का ही ग्रोथ है, जहां था ऑलमोस्ट वहीं पर है। 39.20 का लो है, 40.30 का हाई है। एक महीने की बात करेंगे तो पिछले एक महीने में हालांकि 3.12% का ग्रोथ जरूर है। इस बीच थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिली है। 38.50 रुपीज का लो है और 44.20 का हाई है। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो एक साल में देखिए स्थिति बहुत ज्यादा उलट है। 42% तक की एक बहुत बड़ी इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। तकरीबन तकरीबन 240 रुपए का यहाँ पर हाई है और 29 रुपीज 30 रुपए के करीब का यहाँ पर लो भी बना है। 3 साल की हम बात करेंगे तो पिछले 3 साल में भी वही है, 55% की गिरावट है बहुत बड़ी, और हाई और लो ऑलमोस्ट उतना ही है। पिछले 10 साल की बात करेंगे तो मामला पूरा का पूरा सामने आता है। देखिए, 10 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, 2016 से ये स्टॉक काम कर रहा है और इस बीच 400, देखिए 450 रुपए के करीब का इसने हाई बनाया हुआ था और 29 के करीब का लो भी बनाया है। जब से लॉन्च हुआ था देखिए तब से बढ़िया ग्रोथ इसने किया, ऊपर ही ऊपर उठता रहा है ये शेयर, लेकिन उसके बाद एकदम से और बहुत भयंकर तरीके से इसमें गिरावट देखने को हमें मिली भी है। स्मॉल कैप स्टॉक है ये, 2634 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में 6.5 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। नतीजे जो इसके आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है, नतीजे इसके अच्छे नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए नेट सेल्स की बात करेंगे तो हालांकि नेट सेल्स थोड़े बहुत बेटर है, 169 करोड़ के नेट सेल्स है जून 2019 में। हालांकि वो पिछले मार्च 2019 में सिर्फ 167 करोड़ था, तो 1.33% का ही ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल की कंपेयर में अच्छा खासा ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ 91 करोड़ के ही नेट सेल हुए थे। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें देखिए तो पिछले साल हालांकि 14 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बुरा इसलिए क्योंकि पिछले क्वार्टर में 30 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जबकि इस बार 10 करोड़ है, तो 67% की बहुत बड़ी गिरावट है। और जो दिक्कत है वो इनके प्रॉफिट मार्जिन में है। हालांकि पिछले साल तो प्रॉफिट मार्जिन इनका माइनस में था, इस बार 17.52 का है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 23.07 का भी प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था। और एक और चीज है, एक नेगेटिव पॉइंट है इनके लिए, वो है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। देखिए, हमेशा प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होना शेयर्स के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो 38.22% हुआ करती थी, अब वो 35.65% है, मतलब 2.57% की बहुत बड़ी गिरावट है यहाँ पर। हालांकि एफआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, 6.78% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड इसमें से एग्जिट हो चुके हैं, हालांकि सिर्फ 0.02% की ही होल्डिंग इसमें म्यूचुअल फंड की थी, अब वो भी बेच बाज कर इसमें से निकल चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई इसकी होल्डिंग नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 56.39% की होल्डिंग है। अदर डीएस के पास 1.18% की होल्डिंग है। देखिए, प्रमोटर्स ने ऑलरेडी अपनी होल्डिंग कम की है, सिर्फ 35.65% की होल्डिंग बची है, उसमें भी 21.05% की प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 41.54% की है। इसमें डिविडेंड सिर्फ 10% का है, 10 पैसा पर शेयर का डिविडेंड आपको मिल रहा है, और वो पिछले साल सितंबर में मिला था। इस बार का कोई अपडेट अभी भी अवेलेबल नहीं है इसका। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो देखिए मनी कंट्रोल में 69% बाइंग रेटिंग है, 31% सेलिंग रिकमेंडेशन है। पी डेफिनेटली निचले पी पर ट्रेड कर रहा है, 18.55 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 23.62 है। ई बुक वैल्यू 40.75, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.97, ईपीएस 2.14, डिलीवरी 78.17% की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स पे जाता हूँ तो देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी अच्छी है। सिर्फ 35 करोड़ का ही इनके ऊपर कर्जा है, जो उतना बड़ा कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। टोटल असेट्स आप देखिए 2634 करोड़ के टोटल असेट्स के पास देखने को मिल रहे हैं। नतीजे आप देखोगे तो देखिए यहाँ दिसंबर और मार्च के जो नतीजे थे वो थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन जून के हैं वो थोड़े बहुत चिंताजनक जरूर है। और अगर हम बात करेंगे जो सबसे बड़ा सवाल कि इसमें आखिर क्या करना चाहिए, तो मैं यही सबसे पहले अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स को आपको गणाऊँ तो देखिए डिविडेंड बहुत कम है इसका, प्रमोटर ने होल्डिंग कम की है, प्रमोटर्स के द्वारा शेयर भी गिरी हुई है, नतीजे जो आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे दस्ता चला जा रहा है। और एक और चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं आपको पिछले 1 साल का अगर इसका परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करूं, तो आप देखिए पिछले साल से तकरीबन तकरीबन दिसंबर महीने से, पिछले साल दिसंबर महीने से हाल फिलहाल आप देखिए तकरीबन 9 महीने हो गए, 9-10 महीने से इसके जो शेयर का प्राइस है वो 40 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच, इवन 40 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में रहा है। उतना ज्यादा ग्रोथ इसके शेयर्स में हमें देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली शेयर्स अभी भी ग्रो नहीं कर रहे, तो रिटर्न उतना ज्यादा मिलने के एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक कोई अच्छी खबर नहीं आती, जब तक इनके क्वार्टरली नतीजे इम्प्रूव नहीं होते और या फिर इसके बारे में कोई अच्छी अपडेट नहीं आती, तब तक मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करने के लिए इतनी ज्यादा जल्दबाजी ना करें, होल्ड कर वेट कीजिए, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। इसमें खरीदारी करने की स्टॉक में गिरावट है ये सोचकर खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वेट करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।